हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई रूस की क्रांति का दूसरा पार्ट। मित्रों, पहले पार्ट में हमने रूस की क्रांति के कारणों को जाना, रूस के जो मतलब सम्राट थे उनके बारे में जाना। आज हम रूस की क्रांति के जो दूसरा वीडियो है उसके अंदर बोल्शेविक मोन्शेविक दल के बारे में जानेंगे, जिसका योजना जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी उसके बारे में आज मैं दोबारा बताऊंगी। स्टालिन के बारे में, जिनका मूल नाम जिगाश्विली था और लौह पुरुष भी कहे जाते थे वो, और उनको अंकल जो के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन शुरू करने से पहले मित्रों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सॉरी फ्रेंड्स, आप जितना लाइक और इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो उतने ही लोगों तक पहुंचेगी और उन लोगों तक पहुंचेगी कि जो बड़ी बड़ी फ़ीस देकर कोचिंग सेंटर में तैयारी करने नहीं जा सकते। ऐसे गरीब और जो ऐसा है लोग हैं, अगर वो मेरी वीडियो देखकर उनका कुछ भला होता है तो मुझे इससे बहुत ही खुशी होगी। इसलिए मित्रों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जितना हो सके इसे अपने दोस्तों में मित्रों में जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है उन तक पहुंचाएं, उन तक शेयर करें। धन्यवाद मित्रों। तो शुरू करते हैं रूस की क्रांति का दूसरा पार्ट। मैंने आपको कल आपको बताया था लास्ट में चित्स का योजना। तो मित्रों, ये जिसका योजना जो है वो स्टालिन के द्वारा शुरू की गई और यह एक शुद्धिकरण योजना थी। शुद्धिकरण का मतलब क्या था कि रूस के अंदर जब बोल्शेविक दल का बोलबाला हो जाता है तो उस वक्त क्या है, मित्र राष्ट्र राज्य जो होते हैं वो रूस के अंदर विद्रोह भड़का देते हैं। रूस में जब विद्रोह भड़काते हैं तो ये जिसका योजना द्वारा स्टालिन क्या है उस विरोध को शांत करने की कोशिश करता है। और इसमें क्या होता है कि विरोधी उद्योगपति और जो श्रमिक होते हैं जो बाहर के देशों या मित्र देशों के साथ मिल जाते हैं और इनका विरोध करते हैं बोल्शेविक दल का, उनके खिलाफ ये जिसका योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत क्या है, विरोधियों का दमन करने के लिए 16, 17 और 21 के मुकदमे चलाए जाते हैं। इसके बाद मित्रों हम बढ़ते हैं बोल्शेविक दल के बारे में। फ्रांस रूस में बोल्शेविक दल क्या था और ये जो बोल्शेविक शब्द है इसका अर्थ क्या था। मित्रों, बोल्शेविक दल का ये जो एक फ्रांस की क्रांति का दल था, जैसे मैंने अभी पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी और 1930 में ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है ये दो पार्ट्स में विभाजित हो गई थी, एक तो बोल्शेविक दल में और एक मोन्शेविक दल में। तो मित्रों, ये जो बोल्शेविक दल है इसमें जो बोल्शेविक ये जो शब्द है इसका नाम है, इसका मतलब है रूसी भाषा में बहुमत। इसी तरह से बोल्शेविक दल की जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1903 में हुई थी, जुलाई 1903 में। इसी तरह मित्रों 1903 में ही मोन्शेविक दल की स्थापना होती है और मोन्शेविक जो शब्द है उसका रूसी भाषा में अर्थ है अल्पमत। रूसी भाषा में इसका क्या अर्थ है, अल्पमत। इस तरह मित्रों क्या होता है कि ये दो दल बन जाते हैं रूस में 1903 में, और ये क्या है फिर बारी बारी से पहले मोन्शेविक दल और फिर बोल्शेविक दल की रूस में सरकार बनती है। फरवरी और मार्च की जो क्रांति होती है ये मोन्शेविक दल की जब रूस में सरकार बनती है उस टाइम होती है। और इस दल की कमियाँ क्या रहती है, इस दल की कमी ये रहती है कि रूस के अंदर क्या है कि जो भूमि होती है, रूस की जो कृषि योग्य भूमि होती है उसको क्या है ये समाज के प्रत्येक वर्ग में विभाजन नहीं करते हैं। और रूस को क्या है ये जो मोन्शेविक दल की जब सरकार बनती है तो रूस को ये प्रथम विश्व युद्ध से अलग भी नहीं करते हैं, इसलिए इनकी सरकार बनने के बाद रूस को आर्थिक और सामाजिक तौर पर कोई ज़्यादा खास फायदा नहीं होता है। इसलिए क्या है मोन्शेविक दल का जो है पतन हो जाता है। इसके बाद मित्रों बढ़ते हैं, मोन्शेविक दल के काल में एक क्रांति होती है जिसको 7 मार्च या फरवरी मार्च की क्रांति कहते हैं। फरवरी मार्च
मित्रों, ये जो क्रांति होती है इसमें क्या होता है, इसका घटनाक्रम जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि 7 मार्च 1917 की बात है। 7 मार्च 1917 को क्या होता है कि जो रूस के मजदूर होते हैं, मजदूर क्या करते हैं, पेट्रोगार्ड जो उस टाइम में रूस की राजधानी होती है, एक बहुत बड़ा शहर होता है, पेट्रोगार्ड की सड़कों पर जुलूस निकालने को निकल जाते हैं। और यहाँ क्या मजदूर एक नारा देते हैं कि हमें युद्ध नहीं रोटी चाहिए। उस टाइम में क्या होता है कि ये जो रूस होता है ये पूरी तरह अभी प्रथम विश्व युद्ध में मतलब जापान के साथ या जर्मनी के साथ युद्ध में फंसा होता है, जर्मनी के साथ, और इसका मतलब आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी होती है, लोगों के पास खाने को रोटी भी नहीं होती है, लेकिन उधर युद्ध चल रहा होता है रूस का अन्य देशों के साथ। तो इसमें ये जो मजदूर है ये क्या बाहर निकल के सड़कों पर और नारे लगाने शुरू कर देते हैं, जुलूस निकालते हैं, और ये क्या नारा देते हैं, ये नारा देते हैं हमें युद्ध नहीं रोटी चाहिए। तो ये जो मार्च की क्रांति है ये मोल्शेविक दल की जब सरकार होती है उस टाइम होती है मित्रों। और इसमें क्या है कि 7 मार्च को तो मजदूर जब सड़क पे निकलते हैं और जुलूस निकालते हैं, और 8 मार्च को क्या होता है कि इसमें महिलाएं शामिल हो जाती हैं, रूस की जो महिलाएं होती है वो 8 मार्च को इसमें शामिल हो जाती है। इसलिए मित्रों क्या है कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, महिला दिवस। क्यों मनाया जाता है, उसका कारण यही घटना है कि रूस की जो फरवरी मार्च की क्रांति के दौरान महिलाएं भी इसमें शामिल हो जाती है जुलूस में 8 मार्च 1917 से, और इसीलिए क्या है कि आज भी विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो मित्रों ये फैक्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया जो रूस की क्रांति से निकल के आया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत यहीं से होती है। अब हम आगे जानते हैं कि आगे क्या होता है, आगे क्या, जब ये क्रांति होती है तो रूस का जो जार होता है वो अपने भाई के, माइकल होता है उसके भाई का नाम, ड्यूक माइकल, इस ड्यूक माइकल के पक्ष में और अपना सिंहासन या छोड़ देता है, और रूस में क्या है कि रोमनोव वंश की समाप्ति हो जाती है इस क्रांति के बाद। उसके बाद क्या होता है, रूस में ल्यूबाब की सरकार बनती है मित्रों। ल्यूबाब एक व्यक्ति होता है, ये ल्यूबाब क्या है, इसका प्रधानमंत्री बनता है रूस का, और इसके नेतृत्व में अस्थाई सरकार की गठन होता है, अस्थाई सरकार का गठन होता है। और फिर क्या होती है, ये क्या करता है, ये क्या खास काम करता है, एक तो ये मृत्युदंड जो रूस का होता है वो समाप्त कर देता है, और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है रूस के अंदर, क्या करता है रूस के शासन में, एक तो मृत्युदंड समाप्त कर देता है और वयस्क मताधिकार दिए जाने की घोषणा करता है। इसी दौरान क्या होता है कि रूस की जो जनता होती है वो क्या, रूस में एक किला बना होता है, उस किले का नाम है शेल्सबर्ग। ये श्वेल्सबर्ग को, श्वेल्सबर्ग पर अधिकार कर लेती है। इस दुर्ग को क्या है, रूस का बास्तिल कहा जाता है। श्वेल्सबर्ग पर रूस की जनता अधिकार कर लेती है, और इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, रूस का बास्तिल कहा जाता है। तो मित्रों ये जो बास्तिल शब्द है ये पहले भी कहीं आया है और मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, तो मित्रों याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने ये आपको पढ़ाया फ्रांस की क्रांति में, बास्तिल का दुर्ग कहाँ था, फ्रांस की क्रांति में। इसीलिए क्रांति के दौरान क्या किया था फ्रांस में, वो जो रूस की बिगड़ी हुई जनता थी या नाराज जो जनता थी राजा से, जिसके संबंध बिल्कुल बिगड़ गए थे, उसने क्या किया था, फ्रांस में जो बास्तिल का दुर्ग था उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, और वहाँ पर जितने भी औजार वगैरह थे रखे हुए वो सारे निकाल लिए थे। इसी तरह ये शेल्सबर्ग के दुर्ग को जनता ने अधिगत कर लिया, इस पर अधिकार कर लिया रूस में, और इसीलिए क्या है कि शेल्सबर्ग का जो दुर्ग है वो रूस का बास्तिल। अब बढ़ते हैं आगे मित्रों की ल्यूबाब की सरकार का क्या होता है। ल्यूबाब जिसको ग्लोबाब भी कहा जाता है, ल्यूबाब इसको क्या कहा, और क्या कहा, इसका दूसरा नाम मित्रों कहीं कहीं लिखा है ग्लोबाब,
दो नाम मिलते हैं इसके बुक्स में, ल्यूबाब या ग्लोबाब। इसके नेतृत्व में जो सरकार बनी होती है वो जुलाई 1917 में क्या इस्तीफा दे देते, क्योंकि ये तो अस्थाई सरकार होती है और जनता इस तरह जो विरोध पे उतर रही है तो इसको इस्तीफा देना ही था। 1917 में क्या होता है, ये इस्तीफा दे देती है। उसके बाद क्या होता है मित्रों, अक्टूबर नवंबर की क्रांति होती है। अभी तो हमने थोड़ा दिन पहले ही पढ़ी मार्च फरवरी मार्च की क्रांति जो बोल्शेविक दल ने की थी, अब हम पढ़ते हैं अक्टूबर नवंबर की क्रांति। अक्टूबर, अब मित्रों इसको अक्टूबर नवंबर की क्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो पहला वीडियो था उसमें इस बात का जिक्र किया था कि रूस के अंदर दो कैलेंडर प्रचलित थे। पहला तो था जूलियन कैलेंडर जो रूस का पुराना कैलेंडर था, और दूसरा था ग्रिगोरियन कैलेंडर जो रूस में जो क्रांति के बाद जो कैलेंडर चला था 1907 के बाद ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ये जो क्रांति होती है वैसे तो रूस की जो तिथि है उसके हिसाब से तो पुरानी तिथि उसके हिसाब से तो अक्टूबर में होती है, अक्टूबर 1917 में होती है, लेकिन रूस का जो नया कैलेंडर था उसके हिसाब से ये नवंबर में होती है, क्योंकि जो नया कैलेंडर जूलियन कैलेंडर था वो 13 दिन पुराने कैलेंडर से आगे था, इसलिए मित्रों इसकी जो तारीख है वो नवंबर भी मानी जाती है। अब इस क्रांति के लिए दोनों ही तिथियां मान ली जाती है। अभी अक्टूबर नवंबर की ये क्रांति थी, और ये होती कब है, ये 25 अक्टूबर या 7 नवंबर। 25 अक्टूबर क्या कहिए इसको, 25 अक्टूबर या 7 नवंबर, इन दोनों ही तिथियां मानी जाती है इसकी। और बोल्शेविक क्रांति क्या थी, इसको क्या कहते हैं, अक्टूबर नवंबर की क्रांति को और क्या कहते हैं मित्रों, इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। ये जो बोल्शेविक क्रांति थी अक्टूबर नवंबर की, जो 25 अक्टूबर या 7 नवंबर को होती है, ये सफल हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि समाज में जो सर्वहारा वर्ग है या सर्वहारा समाजवादी सत्ता है उसके नाम से इसको जाना जाता है। इस टाइम में क्या सर्वहारा वर्ग की रूस में सरकार स्थापित हो जाती है, और ये सरकार किसके नेतृत्व में बनती है, लेनिन के नेतृत्व में बनती है। बोल्शेविक दल की जो सरकार है वो लेनिन के नेतृत्व में बनती है। लेनिन का परिचय मैंने पहले दिया है मित्रों, कि पहले वाला वीडियो उसमें इसमें पूरा परिचय दिया लेनिन का। तो लेनिन जब सरकार बनती है, लेनिन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होता है, तो बोल्शेविकों द्वारा पोलित ब्यूरो के अधिकारी, एक पोलित ब्यूरो नाम के अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इस नए अधिकारी का नाम क्या होता है, पोलित ब्यूरो। पोलित ब्यूरो इस अधिकारी का नाम होता है। इसमें क्या है कि ट्रास्की, स्टालिन, ये सभी क्या होते हैं, इस नई सरकार के सदस्य होते हैं जो लेनिन के सहयोगी रहे होते हैं। फिर बोल्शेविक क्या होते हैं, बोल्शेविकों ने कैसे मतलब क्या किया, बोल्शेविकों ने क्रांति के दौरान पेट्रोग्राड पर अधिकार कर लिया। पेट्रोग्राड जो रूस में था, पुराने रूस की राजधानी थी, उस पर अधिकार कर लिया, और बिना रक्तपात के क्या हो गया कि सत्ता बोल्शेविकों के पास आ गई। लेनिन के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था पीपुल्स कॉमिसार्स। क्या मंत्रिमंडल का क्या कहते थे, जो लेनिन की सरकार द्वारा अपनाया गया था लेनिन के नेतृत्व में, पीपुल्स कॉमिसार्स। ये पीपुल्स कॉमिसार्स के नाम से जाना जाता था लेनिन का मंत्रिमंडल। फिर क्या होता है मित्रों, जो मित्र राज्य होते हैं वो क्या है, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती। फिर वो क्या फ्रांस पर अपनी सेनाएं भेजकर और बोल्शेविक दल के खिलाफ वहाँ क्या करवाते हैं, विद्रोह करवा देते हैं। मतलब रूस की बात करिए मित्रों, मैं बीच में फ्रांस बोल जाती हूँ उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मैं रूस की बात कर रही हूँ। और रूस में क्या है, जो मित्र राष्ट्र होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे बोल्शेविक जो दल होता है उसके खिलाफ विद्रोह करवाते हैं, यानी वहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ विद्रोह करवाते हैं। इन विद्रोहियों के द्वारा
जो स्थान मतलब एक सरकार अलग से स्थापित की जाती है जिसे श्वेत सरकार कहा जाता है। मतलब ये जो मित्र राष्ट्र होते हैं रूस के जो विरोधी होते हैं वहाँ पे एक सरकार श्वेत का सरकार स्थापित करते हैं, श्वेत सरकार। ठीक है मित्रों, अब इसके विरोध में बोल्शेविक दल द्वारा एक लाल सेना बनाई जाती है। लाल सेना ये किसके द्वारा बनाई जाती है? इनका विरोध करने के लिए, श्वेत सरकार का विरोध करने के लिए द्वारा लेनिन का जो दल होता है बोल्शेविक दल, उस मतलब विदेशी सेनाओं का सामना करने के लिए एक लाल सेना का निर्माण करती है। फिर क्या होता है कि जुलाई 1918 में ये जो बोल्शेविक दल होता है वो जार और जरीना, जार जो रूस का जार होता है जिसने बोल्शेविक दल की सरकार के दौरान अपना पद त्याग दिया था भाई के नेतृत्व में, अपने भाई के नेतृत्व में ड्यूक माइकल, वो जार अभी जिंदा होता है। जार और जरीना, जार राजा हो गया और जरीना जो है वो उसकी रानी होगी। इन दोनों की क्या है, ये बोल्शेविक दल है जो जुलाई 1918 में हत्या करवा देता है। अब क्या होता है, 1917 से लेकर 1920 का जो काल है, 1917 से लेकर 1920 का जो काल है वो रूस में गृह युद्ध का काल माना जाता है मित्रों। क्योंकि इस टाइम में क्या है कि ये बहुत सी घटनाएं हुई, मतलब जार की और जरीना की हत्या हो गई, और भी जैसे रूस में विद्रोही जो विदेशी थे वो घुसाए, उनके साथ भी इस बोल्शेविक दल का संघर्ष होता है। तो उस टाइम का ये जो काल था वो रूस में गृह युद्ध का काल माना जाता है। जबकि 1918 से लेके और 1921 तक का जो काल है मित्रों, उसमें रूस में युद्धकालीन साम्यवाद का काल माना जाता है। अब बोल्शेविकों ने अपने विरोधियों के दमन के लिए एक चेका नामक क्रांतिकारी न्यायालय भी बनाया। अब जो जो दूसरे देश के विरोधी हमारे देश में घुस जाए, दूसरे देश, तो हमें उसके लिए कोई जोरदार या मजबूत प्रावधान तो करने ही पड़ेंगे, भी हम इनके विद्रोह को कैसे दबा सकते हैं। तो ऐसे ही मजबूत प्रयास जो लेनिन की सरकार ने किए, और लेनिन की सरकार ने चेका नामक क्रांतिकारी न्यायालयों का गठन किया। लेनिन ने 1921 में अपनी आर्थिक नीति में भी परिवर्तन किया। तो मित्रों, इनकी जो आर्थिक नीति थी उसके परिवर्तन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। इन्होंने 1921 में अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन किया, यह नवीन आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानी गई। और इसका शॉर्ट नेम हम देखें तो मित्रों ये है जैसे NEP, और इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो मित्रों ये जो लेनिन ने 1921 में नवीन आर्थिक नीति बनाई थी इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा गया, और ये क्या नीति 1928 तक चलती है। इसके बाद क्या होता है कि रूस में ये पंचवर्षीय योजनाएं भी लेके आते हैं लेनिन जो है, जो हमने अपने संविधान में, जो भारत के संविधान में हमने जो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान लिया वो कहाँ से लिया है, हमने ये रूस से लिया है, सोवियत रूस से लिया है। तो ये पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहाँ होती है, ये भी रूस में ही होती है 1928 में। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके दौरान उसने लेनिन ने क्या क्या सुधार किए मित्रों, तो उन सुधारों के बारे में हम जानते हैं। तो इसमें पहला जो सुधार था वो था कृषि का राष्ट्रीयकरण कर दिया। भी कृषि हो गया, जो भूमि है वो उस पर किसका अधिकार हो गया, राष्ट्र का अधिकार हो गया, राजा मतलब जो सरकार है उसका अधिकार हो गया। दूसरा क्या था, इसने कृषि का सामूहिकरण कर दिया, अब कृषि का सामूहिकरण क्या था मित्रों, भी सभी क्या समूह बनाकर, कृषि हो गया भूमि, किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी, समूह बनाकर सभी क्या है उस पर कृषि करेंगे, और जो भी उससे उत्पादन होगा उस पर पूरे समाज का, पूरी सरकार का हक होगा, और फिर उसके बाद ही सरकार जो है वो अपनी मतलब
जैसे जैसे लोगों को आवश्यकता होगी वैसे उन्हें कृषि के उत्पादन का बंटवारा किया जाएगा। तो मित्रों, साम्यवादी और समाजवादी जो व्यवस्था रूस में स्थापित हुई लेनिन की सरकार के दौरान, उसका अर्थ यही था कि उत्पादन और वितरण के जो साधन थे उस पर राज्य का अधिकार था, वहाँ पर जो सरकार स्थापित थी उसका अधिकार था। फिर लेनिन ने मित्रों मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किया। मुद्रा व्यवस्था में क्या किया मित्रों, मुद्रा व्यवस्था में इन्होंने जो रूस की पुरानी मुद्रा थी रूबल जो पुरानी मुद्रा थी उसके साथ इन्होंने एक नई मुद्रा भी चलाई जिसका नाम था चेवोनेल्सन। क्या नाम था? चेवोनेल्स नामक एक नई मुद्रा भी चलाई। इस तरह क्या है कि चेवोनेल्स नाम मैं आपको बता दूं मित्रों, चेवोनेल्स नामक नई मुद्रा भी जारी की। अब इन्होंने एक काम और किया कि अनिवार्य जो श्रम प्रथा थी पहले रूस के अंदर उसको समाप्त कर दिया इन्होंने। तो लेनिन ने क्या, वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसमें कई सुधार किए, साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था की वहाँ पर शुरुआत की। फिर मित्रों कई विद्वानों के मत है जिन्होंने रूस की क्रांति को अपने शब्दों में व्यक्त किया है, उन्होंने जैसे वेल्स जो एक विद्वान हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम के उदय के बाद रूस की बोल्शेविक क्रांति दुनिया की दूसरी प्रमुख घटना है। मतलब इन्होंने बोल्शेविक क्रांति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है वेल्स ने। और लास्की के अनुसार, लास्की ने अपने विचार व्यक्त किए हैं मित्रों इस प्रकार इनके शब्दों में कि ईसा मसीह के जन्म के बाद बोल्शेविक क्रांति विश्व की दूसरी प्रमुख घटना है। मतलब वेल्स तो बताते हैं इस्लाम के उदय के बाद और लास्की बताते हैं ईसा मसीह के उदय के बाद। तो मित्रों आज ये रूस की क्रांति समाप्त होती है हमारी। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। धन्यवाद।